हाय गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए बागे बहु फोर्ट, देखेंगे आज म्यूजिकल फाउंटेन देखेंगे यहाँ पे। गाइस अपना नाम क्या बताना? विजेंदर। विजेंदर कुमार भाई सभी, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है, मैं इंस्पेक्टर हूँ स्टेट डिपार्टमेंट में। क्या नाम है? दीपक नाम है भाई। दीपक, अरे दीपक तो फेमस है, डीके चैनल है। डीके क्या नाम बताना? विलन, विलन डीके। अरे भाई विलन तो नहीं लग रहा, हीरो लग रहा तू भाई। जरूरी थोड़ी नाम होता है यार, गब्बर सिंह, गब्बर इस बैग भी आई थी तो उसने कोई गलत काम नहीं किया था। नहीं किया, नहीं तुम्हें बता रहा हूं, नाम कोई गलत नहीं होता। गलत नहीं, मैं वही बोल रहा ना, तू तो हीरो लग रहा। अरे भाई नाम चैनल का ठीक है। दीपक गाइस कुछ दोस्त मिल गए थे, वो अपने कुछ भी, उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो उसके बारे में बता रहा था कि चलो मेरा थोड़ा प्रचार हो जाए या कुछ वीडियो में आ जाए, इसलिए वो मेरे पास आ गए थे। चैनल है स्नेहराज ब्लॉग्स, प्लीज सब्सक्राइब के लिए और लाइक भी करें वीडियो। स्नेहराज ब्लॉग्स, स्नेहराज ब्लॉग्स, SNEHRAJBLOGS ब्लॉग। स्नेहराज ना? हाँ स्नेहराज ब्लॉग। जम्मू का रहने वाला भाई? नहीं जम्मू के नहीं, हम कहाँ से आए हो? इसीलिए हम मध्य प्रदेश है, सेंटर ऑफ द इंडिया। तो मैं भाई MP से आए हो? MP में कौन सा शहर? छतरपुर। छतरपुर? हाँ जी। हम तो जबलपुर तक ही गए भाई। नहीं आते हैं इधर भी, भेड़ा घाट वगैरह जाएंगे, बनाएंगे वीडियो ठीक है तुम्हारे तरफ। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब पक्का करेंगे यार। तो गाइस यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स मिल गए थे, तो उन्होंने बोला कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा, या फिर मुझे प्रमोट कर देना, या फिर शेयर कर देना, तो ज़रूर करें गाइस। अगर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ स्नेह राज ब्लॉग्स है नाम है भाई, MP से आया हुआ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और उनकी वीडियो भी देखो। उसने भी आज बाहु फोर्ट पे, ये बागे बहु पे वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। ऊपर इस तरह से दिखती है बागे बहु, क्योंकि ये ऊंचाई पे सीढ़ी बनाया गया है, यहाँ भी फाउंटेन का पानी चलता, तो ये इस तरह से है। मेरा ऊंचाई होने कर, पहाड़ होने के होने के कारण मैं सीढ़ी लगाया गया। कुछ ऊपर आ चुके हैं तो नीचे इस तरह दिख रहा है, ये चल के आए हम आज की नहीं। तो गाइस यहाँ पे कुछ बच्चे मिल गए थे और लोग तो बहुत एक्साइटेड थे कि वो कोई ब्लॉग बना रहा है। हम देख रहे थे कितना ऊंचा था और अभी अब ऊपर से नीचे तो देख रहे हैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम वापस आ चुके ऊपर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे ये जो म्यूजिकल फाउंटेन होगा, यहाँ पे बैठने का व्यवस्था बनाया उधर, और ये ऊपर। ठीक है भाई आ जाएगा। लुधियाना से? लुधियाना में कहाँ पर रहते हो? धोडेवाल। धोडेवाल मैं रहा हूँ बहुत देर, उधर फोकल पॉइंट ऑफ गैसपुरा में भी। अच्छा अच्छा। सानेवाल भी रहा हूँ, अभी जम्मू में 3-4 साल से हूँ भाई। ये भाई मुझे किधर मिले? हाय गाइस, तो ये छोटे छोटे हमारे बच्चे मिल गए, सब्सक्राइब किया इन्होंने, और क्या नाम है तुम्हारा बताओ? सैम। सैम और दोस्त का? ये मेरा भाई है। भाई क्या क्या नाम है? दोनों का बाल एक जैसे ही लग रहा, दोनों का चेहरा मिल रहा, जुड़वा तो नहीं है तुम दोनों? थोड़ा जुड़वा भाई, लेकिन जुड़वा भाई है नहीं। बताओ मामा का लड़का है ना? मेरे बुजी का लड़का है। अच्छा वो भी है? ये तीनों भाई। मेरा भाई और है। अरे ये तो हीरो लग रहा पीछे में। तुम्हारा क्या नाम है? क्रिश। क्रिश जय चौहान। विजय चौहान। प्रिंस गुप्ता। सब लुधियाना वाले? लुधियाना की जय हो। फुल स्क्वाड। फुल स्क्वाड। वैष्णो देवी घूम लिया? ओ पूरा भैरव बाबा के ऊपर भी घूम के आए। अरे वाह। पैर माता के भी जाके आगे। पैर दर्द नहीं कर रहा? पैर में दर्द तो नहीं है? एक दिन में अप डाउन की है। अरे वाह। सुबह चले 10 बजे, रात को 10 बजे नीचे भी आ गए। शाबाश शाबाश।
कॉस्ट्यूम से, जिसमें सदा चमकते सूर्य को लोग मेरा पिता कहते हैं। वैसे कौन कन्या अपना मायका छोड़ना चाहती है, मैं भी नहीं चाहती थी। पर एक दिन देवता जैसे राजा पहर मेरे पास आए। राजा मुझसे बोले कि उनके बीमार पिता के इलाज के लिए उन्हें मेरा जल चाहिए। अब रोज कपलाश कुंड आकर बीमार बूढ़े पिता के स्नान के लिए मेरा जल ले जाना तो संभव नहीं था ना, तो मैंने ही कुछ सोचा। फिर मुझसे रुका न गया, मैं उनके पीछे चल गया। जगह देखने को मिली और रास्ते में चिहेनी में मेरी मुलाकात शुद्ध महादेव से भी हो गई। उस समय तक शिवालिक पहाड़ियों में स्थित इस जगह का कोई नाम नहीं था। हाँ, इसकी पहचान जरूर थी, यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों पर उगी नरम मुलायम घास और मेरे जल की तासीर से खींचे तमाम चढ़ा थोड़ी देर को यहीं आराम करने लगा। जरा दूर पर सफेद चादर ओढ़े ऊंचा हिमालय, पास में हरी चुनरी पहने पहाड़ियां और नीचे करकल बहती नीली नदी। जैसे यह नजारा काफी न था कि तभी राजा जम्बुलोचन ने करीब के तालाब पर जो देखा वह दृश्य एकदम अद्भुत था। राजा जम्बुलोचन को ये नजारा ठीक लगा, जिस जगह एक बाघ और बकरी साथ पानी पी सकते हैं, जहाँ एक शेर भी एक भेड़ को आराम से बख्श देता हो, जहाँ एक मेढा शेर से न डरता हो, वहीं मुझे अपनी राजधानी बनानी चाहिए। तभी तो इस प्रदेश के हर निवासी को बराबर का इंसाफ, बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का दर्जा मिल सकेगा। खिलाना मत मुझे। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी
हर कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो इतिहास के भी पहले की, इसीलिए आगे की कहानी मैं सुनाऊंगी।